नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू न्यूज थ्री इंडिया। मैं चीफ रिपोर्टर जब्बार अली अपने सहप्रतिनिधि रातोस के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के ग्वालपुखुर ब्लॉक इलाके में। आपको बता दें कि ग्वालपुखुर थाना के सामने आप देख सकते हैं कि रिसेंट जो मदीना चौक इंसिडेंट जिसमें राजबाबू उर्फ तौसीफ रजा का 486 बार बेल हुआ है, इस घटना को लेकर के इस सिलसिले में एक एहतजाज या कह सकते हैं एजिटेशन सभा का आयोजन किया गया है। सीधा वो तस्वीर आप लाइव देख सकते हैं न्यूज टू इंडिया में। चलिए देखते हैं कौन कौन यहाँ मौजूद है और क्या कह रहे हैं इस एजिटेशन में शामिल लोग, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए न्यूज़ टू इंडिया के साथ। अल्लाह उनको सन्नत जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। और हमारे अभी बहन जो एक बच्ची दूसरे घर जाती, एक ससुराल होता, एक सास होता, सोहर होता, घर गृहस्थी होता, उसको ये जल्लाद ये कत्ल करने वाला उनको मौत के मुंह सुना दिया, एक बच्ची की घर गृहस्थी को उजाड़ दिया। अल्लाह हबीबा बहन को भी इंशाअल्लाह आला से आला मकाम जन्नत में अता फरमाएगा। और ये मजबूत दोनों ये बनी इसराइल और यहूदी के साथ वो दुनिया में जहन्नम में और आखिरत में जहन्नम में लगाए, क्योंकि ऐसे मौत का फैसला अल्लाह ने सुना दिया हदीस के माध्यम से कि किसी को मारने वाला, किसी का हक लूटने वाला वो अल्लाह का उम्मत नहीं हो सकता है, वो नबी का उम्मत नहीं हो सकता है, वो दीन का नहीं हो सकता है, वो इस्लाम का नहीं हो सकता है, वो हमारे कौम का नहीं हो सकता है। इसलिए कहता हूँ इनका हर चीज का बदला, इनका हर एक समय समय का हिसाब हम लोग लेंगे इंशाअल्लाह। और किस से लाल बाबू का शरीर का हिसाब हबीबा बहन और बाबू भाई बाबू भाई के पास में होगा। और जंगल पंचायत में जंगल पंचायत के जितना भी मेम्बर है आप लोग सब पब्लिक के आगे लो मेरे प्रख्यान से फोन फोन के बाद सुन लीजिए कि पंचायत एक हफ्ता भी नहीं चार दिन के अंदर बैठेंगे, हम आएंगे और जमीन पैमाने किया जाएगा, जमीन लुटा किया जाएगा, इसको हबीबा बहन के लिए और कानून के लिए समाज जीत के लिए। नहीं तो ये लोग सड़क दिल्ली का क्या कर रहे दिल्ली का गला चला गला मिलेगा, आप नहीं चलेगा वो खत्म, आप लोग खत्म, क्योंकि जो नबी को नहीं पाया वो रब को नहीं पाया, जो नबी का नहीं हुआ वो खुदा का नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको इंशाअल्लाह हम लोग नबी की उम्मत है, हम लोग उस उम्मत में आते हैं जो हजारों पैगंबर से हजारों पैगंबर का उम्मतों का पांचता वाला उम्मत है। और हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी हमारे हाफिज नबी साहब ने बताया कि हम लोग जानवर भी गए, इंसान से हैवान बन गए, जानवर बन गए, तो मैं तो कहता हूँ वो हैवान और वो जानवर वो बनी चाय का और योजू जात का वो हमारे नबी का उम्मत नहीं है। और उनमें से इंशाल्लाह हम सब लोग अपनी बेटियों के हिसाब के लिए तालाब का हिसाब मैं बार बार देखता हूँ, डैमर का हिसाब उसमें कोई गला नहीं ना हो, डैमर भी दे और दान दे के दे तो वो भी मिलता है, ये इंसाफ होना चाहिए, ये इनका पूरा इंसाफ मत कीजिए। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे और आरिफ के लिए इंशाल्लाह जितना होगा जब तो जहाँ हम सब मिलकर लड़ेंगे। और चार दिन बाद मैं एक ही बात कहूंगा, अगर प्रधान साहब डिसीजन ले नहीं पा रहा है तो वही बात नहीं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं, हमारा प्रधान साहब है पार्टी को जिससे नहीं बोल रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के अगर लेंगे तो इंशाल्लाह पब्लिक ले लीजिए, आप भी हैं हमारे साथ, हम भी आपके साथ हैं, सब लोग मिलकर उनकी जमीन को पकड़ा करेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ना कोई बेबाक ना कोई बेबाकी संजीवन उनका कुछ ही पास बन गया। इंशाल्लाह मैं एक ही बात कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी लोग यहाँ आए हैं एक हक की बात बोलने के लिए, तो ये कोई आप लोग इतना लोग जो आए हैं बहुत खुशी हुआ जो आप लोग न्याय के लिए इतना लोग आए हैं, सिर्फ हम लोग एक फेसबुक के जरिए आप लोग को खबर दिए थे तो ये देख के बहुत खुशी हुआ है जो आप इतना लोग सच्चाई की तरफ आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जानते हैं जो हम लोग का फैमिली में आरिफ भाई, हबीबा बहन, बाबुल भाई, सैदुल भाई चार आदमी को गोली लगा था,
तो जो हम लोग का फैमिली से इस दुनिया से चला गया है, तो हम लोग का फैमिली जब तक ये हुआ है तब तक बहुत डिप्रेशन में है, बहुत बहुत मैंने परेशानी में है। तो हम लोग अपने आप लोग जानते हैं जो उसके बाद किशोर कला में मर्डर हुआ, बहुत दिन पहले उसका बेल हो चुका है। हम लोग अपना आप जहां तक हुआ कोशिश किए, इस केस का हम लोग का 6 महीना पहले ट्रायल का ऑर्डर हो चुका था, लेकिन जब भी हम लोग जाते हैं डेट होता है एनेबल ऑफ जज, मतलब जज नहीं है उसके वजह से बार बार 6 महीना हम लोग का गुजर गया। उसके बाद 1 महीना पहले हम लोग का ट्रायल का चार्ज हुआ, ट्रायल का चार्ज होने उसके वजह से फिर इतनी गवाही नहीं हुआ, उस बीच में वो लोग फिर टाइम पा गया। अभी जो गवाही का वीकनेस का डेट है 31 तारीख को अगला महीना का जुलाई का। तो बात है हम लोग से कॉम्प्लेनर, हम लोग किसी किस्म का अपना कोशिश के तरफ से कोई कमी नहीं रखे हैं। हम लोग जब भी कोर्ट का जाना होगा, जब भी कोई पेपर रेडी करना होगा, जब भी हम लोग के तरफ से जो करना होगा हम लोग किए हैं। बात है ये जज का, जज अगर चेयरमैन नहीं है तो हम लोग का बस का ये बात नहीं है जो हम लोग जाके जज को चेयर में बैठाएंगे, ये हम लोग से बाहर है। लेकिन हम लोग का फैमिली में एडवोकेट भी है, वो है, उसलिए आज तक हम लोग का केस में जो भी जान है अच्छा है, खराब नहीं है। बेल हो गया उसमें भी कुछ जरूर चाल है अंदरूनी, क्योंकि हम लोग जब भी डेट होता है हर पेपर लेके हम लोग टाइमली कोर्ट में जाते हैं। इसके बावजूद डेट पे डेट होने के बावजूद जाके हाईकोर्ट में वो लोग टाइम 430 दिन हो गया, उसके बाद वो लोग बेल पा गया। अब यहाँ एक इस्लामपुर सब डिविजनल कोर्ट वो लोग टाइम बढ़ाता है, ये जिस डेट में जज नहीं फिर जज नहीं, हम लोग का करने का कुछ नहीं है। लेकिन दूसरा कोर्ट हाईकोर्ट इस्लामपुर बोलता है जो बहुत देर हो गया, इतना देर से क्यों नहीं ट्रायल किए, क्यों देर हो गया। तो जो कॉम्प्लेन आ रहा है हम लोग के हाथ में अगर होता हम लोग का तो हम लोग तो कभी तय कर लेते, लेकिन एक कोर्ट इधर बेल दे देता है वक्त के वजह से जो ज्यादा टाइम लग गया, एक कोर्ट यहाँ धीरे करता है, एक कोर्ट देरी करता है और एक कोर्ट हाईकोर्ट जाके बेल दे दिया। तो एक आम आदमी के लिए घर का कोई भी व्यक्ति को अगर कोई मार दिया वो न्याय के लिए कहा जाएगा, कोर्ट पहले थाना, थाना से कोर्ट, कोर्ट में अब कोर्ट में जो सिस्टम वकील एडवोकेट बोलता है उस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बावजूद हम लोग का फैमिली में एडवोकेट है, उसके बावजूद अगर हम लोग इतना परेशान तब भी बेल हो गया तो दूसरा और भी अगर आम परिवार से कोई किसी को मार देगा, किसी को थाना के सामने जमा कर देगा तो वो तो 3 महीना भी नहीं जाएगा, 90 दिन में बेल होकर आ जाएगा 80 दिन में। तो वही बात समझिए, अगर हम लोग का फैमिली में मेरा भाई ऐसा हुआ है तो कभी आप लोग का भाई भी ऐसा होगा, हो सकता है। तो इसलिए अभी हम लोग अगर यूनिटी होके एकता होके आप लोग से हम लोग कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आप लोग का दुआ, और जब भी अगर कहीं जरूरत पड़े, अगर आप लोग को हम लोग का जरूरत पड़े, अगर आप लोग का आवाज दे, वही आप लोग से हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आप लोग उस वक्त आज के तरह जैसे आप लोग इतना ज्यादा तादाद में यहाँ आए हैं, ये देख के आज एक अपने अंदर हम लोग का बहुत हौसला हुआ, जो नहीं हम लोग के साथ ग्वाल बहर के लोग, ग्वाल बहर के अवाम है, तो ये देख के बहुत एक खुशी महसूस हुआ जो आप लोग आए हैं। और हम लोग एक सोशल मीडिया के तौर पर भी कह दिए हैं जो हम लोग का परिवार का आदमी का जान लिया है, कत्ल किया है, हम लोग इस दुनिया में जब तक है किसी भी हाल में अगर हम लोग का फैमिली से एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी, एक भी मेंबर अगर इस दुनिया में रहे तो ये केस कभी मैच्योर नहीं होगा। अगर हम लोग में फैमिली से कोई भी नहीं रहे, एक साथ सब कोई सब हर किसी को अगर मार दिया तो अलग बात है, लेकिन हम लोग का फैमिली से एक बच्चा भी अगर इस फैमिली में हम लोग जिंदा रहे तो आप लोग ये उम्मीद रखिएगा तो ये केस कभी भी मैच्योर नहीं होगा। ग्वाल बहर में आरिफ भाई का वो ज
जितना भी आदमी से उसका ताल्लुक था, जितना भी आदमी से बातचीत हुआ था, जाति का जमीन से ना किसी को कोई नहीं, अपना बिजनेस से लेन देन था। और जो चोर सब जो डकैत सब था उसके बारे बाल कुमार का बच्चा बच्चा जानता है। जो वो लोग किसी का जमीन जबरदस्ती लेता था, किसी का घर में जाकर रात को रिवॉल्वर से हमला, आप लोग खुद जानते हैं। जो झिलझिली में कितना आदमी को पकड़ के मार दिया, गजीनगर में खुद कितना आदमी को आर्मी के ऊपर जुलूम किया है। तो आप लोग खुद हम लोग का बाल पकड़ का हर एक बच्चा विटनेस है जो कितने आदमी पर जुलूम भाया है। ये बात तो कहने की बात ही नहीं है। तो वही अभी हम लोग मेरा अंकल कमलोल चाचा, हम लोग ये पहले से ही हम लोग को बहुत तरह का लालच, बहुत तरह का धमकी, बहुत तरह का बात आया, लेकिन हम लोग जहाँ खड़ा है वही है। हम लोग का जगह में शायद कोई दूसरा फैमिली होने से अब तक इस जगह में खड़ा नहीं रह सकता था शायद। तो इसलिए आप लोग हम लोग के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। जो हम लोग आप लोग मतलब एक हवा चल रहा था मार्केट में इलाका में, जो वो लोग अंदर ही से केस झूला दे दिया है, उसलिए बेल हो गया या फिर वो लोग मैच्योर कर लिया है, ऐसा कोई बात नहीं है। और ये कभी हम लोग अपना दिमाग में ये बात कभी आएगा जब तक दुनिया में है, ये बात हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक भाई एक औलाद इस दुनिया का पूरा नियामत पूरा दौलत अगर दे दे तो एक भाई को भाई का प्यार एक भाई का साथ कोई और दोबारा नहीं ला सकता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ग्वाल पोखर का दोबारा कोई भी फैमिली के साथ ऐसा नहीं हो, कोई भी बहन के साथ ऐसा नहीं हो, कोई भी भाई के साथ ऐसा नहीं हो, कोई भी बाप के साथ ऐसा नहीं हो जो अपना बेटा खोए। और जिंदगी जिसका बेटा खोया है, जिसका भाई खोया है, वो जिंदगी में जब तक है उसका आंसू कभी नहीं मिटने वाला है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं जो ग्वाल पोखर का हर आदमी जो घटना वो लोग घटाया है, हर आदमी उससे दुख है, हर आदमी को दुख है जो वो लोग इतना जुल्म किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग अल्लाह ताला जरूर हम लोग को कामयाब देगा। और जो दरिंदा है अल्लाह के सामने जितना भी ताकत आए, जितना भी फिरौन एक बादशाह आया था, अपने आप को अल्लाह अपने आप को खुदा बोला था, लेकिन है सब कोई मिट गया है। अगर हम लोग सही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोग का जीत देगा। और जरिंदा जो कमीना है, जो किसी का बेकसूर का जान लिया है, उसका जरूर सजा होगा। सिर्फ आप लोग का हिम्मत, आप लोग का दुआ, हम लोग का साथ चाहिए। वही बोल के मैं अपना गुफ्तगु खत्म करता हूँ। अब दो चार बात मेरा अंतर बोलेगा। कोई गलत बात ना सजन की है कभी भी तक हमने ना किसी के साथ में हमारे घर में सबसे साथ थी आप दुआ की कुछ भी कुछ बोला नहीं था हमला कुछ ही तो भी कुछ बोले आर्मी साल का सुनमो नहीं तुम्हें कुछ लोग बोला चुके हैं हमें लोगों तकाल ले लिया हिना बोला हिना बोला खाली लोग जान मनो जेला बच्चे लोग बोला बोले सामने बोला क्या नहीं आज इशा हुए हूँ और तुम्हारे को भी गलत कोई ना सोचा कोई दिन नहीं दवा दुआ और तुम्हारे सवाल भी जतला लोग बोए जेला लोग बोए असलाम तो भाई हमारे साथ तो जो आगे से हमारे लोगों पर तुम्हारे साथ है हमारे हिम्मत कहना तो इच्छा बहुत सा बात ऐसा है कि जब जेला बात हमारा जानी कमल पड़े बेल हो कमल पड़े की हो लेकिन हमारा सवाल सामना सार्वजनिक कुरानी पर जी हमारा कोई धमकी हो मिली बहुत कुछ मिली
लेकिन तुम्हारा हमारा साथ दो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो नी पार में लड़वा दे ना चंदा हो लड़ो लेकिन तुम्हारा हमारा साथ दो बस ये दे आज हमारे बारी में एक और तुम्हारे बारी उसमें पर है ऐसा काफी कुछ बहुत बहुत नहीं रहा है इधर तो ना तुम्हारा हमारा साथ दो यहाँ कोर्ट चले गेट तक गेट फेंक पड़ेंगे यहाँ कोर्ट गेट तक लेट हो रहे होंगे बड़े देर से कहाँ साजिश है की है हमें बदला पूछी लेकिन बुधवार बावजूद भी नहीं बोलती हमारे पूछा क्या करना पड़े अभी नहीं बोलना वापस वापस सभा का जमानो आदि का जरूरत पड़े कल आरा कुछ जरूरत पड़ा पड़ा तुम्हारे बोलवा तुम्हारे से एक आधा रिक्वेस्ट के तुम्हारा जेल ना बढ़ानो तुम्हारा उसमें हमें बहुत कुछ करवा हमें अभी ये ही है बहुत कुछ करवा हमें बोलवा तो ना होता हमारे पर कुछ जुर्म हो गए कुछ भी हो गए पब्लिक हमारे साथ वाला हमारे कोई नहीं कुछ भी होगा हमारे कोई नहीं है लास्ट टाइम ये तो तुमरा वापस ना बुलाओ तुमरा वापस क्वार्टर तक गए लोग थी कमांड वाले लोग थी जखमा खाना का है यार लास्ट यहाँ तक मैं सबला बोल मत है कमांड कमांड करे बार दिल हो कमांड करे फुल कोले पूछा क्या की कोले पूछा की कोले हमारे की धमकी दिले नहीं दिले अभी नहीं बोल मामला बोल मैं और दूसरा मीटिंग हो गए तीसरा मीटिंग हो गए लास्ट हो गए जेना उतना बोल मत कमन कमन का बात बेल होला मैं कुछ आंध्र रख ले कुछ कुछ होटल आ कोले सब लगा तमो को भी टाइम उस भी ठीक है मैं अपना बात खत्म कर चुका लेकिन कभी भी बोला ले हमें बहुत सा आंदोलन करवा हवे आगे तो हमें सुप्रीम कोर्ट तक जामो हाई कोर्ट तक जामो वाला फिर दोबारा हाई कोर्ट तक अप्लाई कोई सुप्रीम कोर्ट तक जामो जैसा भी जवाब हो हमारे जमीन ला बैठ में बटला नीपाल मोल राष्ट्र चंदा कर मोल लोर मोल तुम्हारा खाली साथ में कभी भी आपने हमें बोल সবাই যাবে একটা মশলা করার জন্য আর ইচ্ছে একটা হত্যা হয়ে গেছে মর্ড হয়ে গেছে মার্ডার হয়ে সত্যি তো জানি বাত হচ্ছে কি আজ রাজমোহন বেল হয়ে গেছে আমার কোর্ট বেল দিয়ে এই সব তো বড় কোর্ট উপচ্ছে হর কার না হাত ফেতলা করবার নেই আমরা যতরা লোক ছি সবকে জোয়া করবো যে সেই ফাইসলা হোক সবকে একটা জোয়া করবো কি হাত ঝাড় তো নেবে হোক সেই ফাইসলা হোক ফেতলা করবে বলে আল্লাহ আছে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ জোর ফেতলা করবে সবাই আমরা আর লোক যারা আমার জব্বি বলাবে যমুনা বি বলাবে যে হালত বলাবে আমরা ওয়াল করার লোক একটা ভাত ইনশাআল্লাহ শান্ত হোক আর সবাই জন্য আসবো এটা কথা আমার ইনশাআল্লাহ আমরা বহুত দূর তক পৌঁছবার কোশিশ করবো আর এটা আমার এতে আশা নিছে আমার বহুত আজ আমার কিছু ধরে আজ আমার কাল আর কারো হয়েছে।